अभी हम आ चुके हैं जंगल, चलिए मेरे साथ बनते रहिए। आप अभी जाना है वहाँ पे, बहुत सारा जंगल है वहाँ, बहुत सारा जंगली जानवर मिलता है। सॉरी, दिखाएंगे आपको बहुत सारा जंगली जानवर, खतरनाक खतरनाक, किंग कोबरा भी दिखाएंगे आपको। मेरे साथ कैमरा मैन है और कोई नहीं है, चलिए आइए। यहाँ पे खाई है जो अभी जा रहे नीचे, यहाँ पे भी थोड़ा खाई है। संभल के थोड़ा, यहाँ खाई है। काफी पानी का तलाश है, अभी पानी लेने जा रहे हैं। पानी इधर कहीं खाली खाली लग रहा है, इधर दिखाओ पानी किधर है, कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा, पूरा सुनसान एरिया लग रहा है, एक इंसान भी नज़र नहीं आ रहा। ये इंसान का एरिया है ये नहीं है, इंसान आ ही नहीं आ रहा। चलिए मौसम देखते हैं दूसरा जगह। बहुत दिन किसी जानवर ने खा लिया होगा इसको, लगता है किसी चीते ने शिकार किया है इसका। चलो ये कोबरा का अंडा मिला है दोस्तों, जानते कीजिए कोबरा का अंडा है, रख देते वही जगह पे कोबरा का अंडा है। अगर आसपास इसको कोबरा भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से चलें। मुझे यहाँ पर एक अमरूद का पेड़ मिला है, देखते हैं इसमें अमरूद है कि या नहीं है। अमरूद तो नहीं है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कभी भी ऐसे जंगल में फंसे तो एक ही उपाय है। मौसम काफ़ी बिगड़ा हो जा रहा है, ठंडी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, अभी हम लोग जाए हैं दोस्तों। वहाँ पर लग रहा है इंसान का बस्ती है, शायद वहाँ पर पानी मिल सकता है, चलिए देखते हैं। कुछ खाने का भी मिलता है, बहुत ज़ोर से भूख भी लगा है। और ये नदियाँ, ये जो नदी देख रहे हैं, ये नदी किसी इंसानियों बस्ती के तक पहुंचा देगा, जहाँ पर ज़्यादा आबादी है वहीं तक नदी जाता है। लग रहा वहाँ पर नदी है, लग रहा वहाँ पर नदी है, थोड़ा सा पानी नज़र आया। शायद नदी में मछली हो सकता है, तो मछली आज का शिकार मछली होगा। आजा, मुझे पानी मिल चुका दोस्तों नदी में, ये जो पानी देख रहे हैं आप पी नहीं सकते हैं, इसमें काफी गंदगी है, कहीं साफ जगह ढूंढते पानी। नदी को पार कैसे करें आप, कितना होगा नदी को? पानी मिल चुका दोस्तों, पार भी हो सकती है इधर से। हाँ थोड़ा संभल के, थोड़ा संभल के आना, हाँ थोड़ा संभल।
पे लगता है कोई आदमी रहता है, जो कि यहाँ पे पानी कुआं टाइप का है, देखते हैं पानी आएगी इसमें। इसमें तो पानी है दोस्तों, देखते हैं कैसा पानी रहता है। आप तो पानी पीते, ठीक है, पानी पिएंगे थोड़ा सा, उसके बाद निकलेंगे कुछ खाने के लिए, ढूंढे खाना ढूंढेंगे। जमा हुआ रहता है, अब इसे पी भी सकते हैं, काफ़ी गंदा पानी है, पानी बहुत गंदा है। ऐसा इसे पी के बीमार हो सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा पानी मत पिए, थोड़ा थोड़ा सा पी सकते हैं आप। काफ़ी ठंडा पानी है, ठंडा मौसम में ठंडा पानी पीना शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। चलिए अब खाना कुछ ढूंढते हैं, पानी तो मिल गया, मंत्रो काफ़ी मुझे दोस्तों एक आलू मिला है, तो इधर से कुछ खाने का सामान मिल सके, आते हैं देखते कुछ खाने वाला मिल जाए। दोस्तों देखते आलू मिल जाए, ये मिला है, शायद किसी का किसान का होगा, देखोगा तो बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी में गुजारा कर लेंगे, कुछ सोचते हैं। काफ़ी छोटा छोटा है, खाने का तो इंतजाम हो गया दोस्तों, अब चलिए आग लगाते हैं। आग तो आग लगाने के लिए कुछ तो है नहीं, आइए आग लगाते हैं। कट करो, स्टार्ट है, इस पे इसको रख दीजिए और इस पे यहाँ पे वहाँ पर रख दीजिए, इसके ऊपर पत्ता ढक दो, इसको लगा लिए थे वहाँ से आग लगाने से। आग लगाने के लिए कुछ नहीं, दो पत्थर का इस्तेमाल कीजिए, एक छोटा एक बड़ा पत्थर, छोटा एक बड़ा पत्थर, हाँ ये दोनों घिसिएगा तो आग निकलेंगे। क्या करते हैं, फिर से इसको पकाते हैं। इसको पकड़ने देते तो हाजिर, इसको इसको पत्ता दीजिए, पत्ता से ताकि जंगल में आग लगाइएगा दोस्तों तो आग बुझा के जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा आग पूरा जंगल को जला सकता है। मुझे एक सिक्की की जरूरत पड़ेगा, काफी नीचे है दोस्तों, तरीके से पकाते रहिए, थोड़ा सा पका है, छोटा सा है, छोटा लोग काफ़ी अच्छा सा पक चुका है, इसको खाते हैं। एक और पड़ चुका है दोस्तों, इसको खाते हैं। इसी खाओगे आप शरीर में विटामिन दे सकते हैं, आप प्रोटीन, काफ़ी प्रोटीन है इसमें। खाना तो हो गया दोस्तों, आप देखते हैं गाड़ी कब तक आता है जंगल में, तो जाएंगे घर। इसको आग पूरी तरह से बुझा दें ताकि किसी आग न लगे। ऐसे बुझ चुका है, इसके बस हमारी टीम जाने के लिए अब तैयार है घर। चलिए ग्लास पहन लेते हैं थोड़ा सा,
बच्चा हाथी का बच्चा है, पॉसिबल चल चढ़ है, लग रहा हाथी का बच्चा है, सोच के अगर किसी का हाथी का बच्चा देखे तो उसके पास ना जाए, तो भारी हाथी आपका जान ले सकते हैं। हाथी तो पहाड़ पे मतलब पहाड़ के नीचे तो नहीं जा सकते, पहाड़ पे चढ़ सकते हैं।